अगर आप भी अपनी सिंपल सी कुर्ती को कुछ ऐसा बनाना चाहते हैं कि वो देखने में ऐसे ही लगे कि जैसे आपने उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी करी है और आपको एम्ब्रॉयडरी भी ना करानी पड़े, तो बिल्कुल एक ऐसा ही नेक डिज़ाइन मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ। तो ये वीडियो आप लास्ट तक वॉच कीजिएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। ये डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने वेलवेट और कुछ लेसेस यहाँ पर ली हैं और उन लेसेस की मदद से मैं इसका नेक डिज़ाइन और स्लीव्स का डिज़ाइन बनाऊँगी। और जो लेसेस मैंने यहाँ पर यूज़ की हैं वो थोड़ी सी वर्क वाली हैं, जैसे कि इस वाली लेस के ऊपर एक जरकन का नग लग रहा है दोनों साइड में, और जो एक दूसरी लेस मैंने यहाँ पर ली है ये कटवर वाली, इसके ऊपर भी कट दाना और मोती से एम्ब्रॉयडरी हो रही है। तो हमें इसी तरीके की लेस यहाँ पर चूज़ करनी है कि जिसे लगा करके ऐसा लगे कि हमने यहाँ पर एम्ब्रॉयडरी कराई है। अब ये नेक डिज़ाइन बनाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ नेक का पैटर्न ड्रॉ कर लूँगी। बुकरम को मैंने इस तरीके से फोल्ड किया है और इसकी चौड़ाई मैंने 4 इंच रखी है, और अगर आप इस तरीके से इसे नापेंगे तो इसकी लंबाई ऐसे 5 इंच है, 5.5 इंच इसका एक स्क्वायर बॉक्स है, और अगर आप इसको तिरछा नापेंगे तो ये 6.5 इंच की गहराई आएगी। मेन गहराई जो आएगी इसकी 6.5 इंच नापी जाएगी, और फिर उसके बाद इसके बाहर मैंने 2.5-2.5 इंच के गैप से एक निशान और लगाया है, बिल्कुल राउंड, जैसे अंदर वाले गले का राउंड है सेम उसी राउंड को हमने 2.5 इंच के मार्जिन से एक राउंड शेप दे दी है। और इसे हम इस तरीके से मिला लेंगे, और इसे पूरा मिलाने के बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो हम यहाँ अंदर से इसको कट कर लेंगे और ये बाहर वाला पोर्शन हम इसका कट कर लेंगे। अब इस तरीके से ये नेक की कटिंग हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो गई है, और अब हम इसे अपनी वेलवेट के ऊपर इस तरीके से रखेंगे और इसको प्रेस से अच्छे से सेट कर लेंगे ताकि ये बुकरम हमारी कपड़े के ऊपर अच्छे से चिपक जाए और डिज़ाइन बनाने पे ये बुकरम हमारी ज़रा सी भी निकले ना। तो इसको प्रेस से आप अच्छे से इसको बिल्कुल सेट कर लें, और सेट करने के बाद आप इसके अंदर से एक्स्ट्रा वेलवेट को कटिंग कर दें। सिर्फ इतनी वेलवेट आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा छोड़नी है कि यहाँ से नीचे से इसको आप ऊपर की तरफ फोल्ड कर सकें। तो फोल्ड करने के फैब्रिक स्टिक का यूज़ कर रही हूँ, और फैब्रिक स्टिक आप लगा सकते हैं या आप कोई भी फैब्रिक ग्लू इसके ऊपर लगा सकते हैं, और इस तरीके से आप इसको अच्छे से सेट कर लें और ऊपर की साइड इसको फोल्ड कर लें। इसको हम फैब्रिक ग्लू से इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हमें इसके ऊपर कोई भी एक्स्ट्रा सिलाई नहीं लगानी है। तो फैब्रिक ग्लू या फैब्रिक स्टिक से हम इस तरीके से अगर कपड़े को पेस्ट करते हैं तो हमारे नेक में या जो भी हम डिज़ाइन कर बना रहे हैं उसमें फिनिशिंग बहुत ज़्यादा आती है। अब इसे आप प्रेस से अच्छे से सेट कर लें। प्रेस से अच्छे से सेट करने के बाद ये अच्छे से यहाँ पर पेस्ट हो गया है, और ये नेक अब यहाँ पर हमारा कमीज़ पर लगाने के लिए तैयार है। तो इसकी हमने ऊपर की एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर दी है और इसका सेंटर बना के हमने यहाँ पर एक कट लगा दिया है। अब जो हमारी ये कमीज़ है, कमीज़ के ऊपर उल्टी साइड से हम इस नेक को रखेंगे, और सबसे पहले हम इसके सेंटर में एक सिलाई लगा करके लाएंगे, और उसके बाद बुकरम के बिल्कुल जड़ में हम यहाँ पर इसको सिल करके लाएंगे। तो सबसे पहले आपको इसका सेंटर बनाना ज़रूरी है ताकि सेंटर बनाने से आपका कपड़ा इधर उधर हिले ना, और आपका नेक बिल्कुल इकसार दोनों साइड से बराबर डिस्टेंस पे आपका नेक यहाँ पर बन कर के आए। और अब आपको सिलाई लगानी है बिल्कुल बुकरम की जड़ में, ना तो बुकरम के ऊपर सिलाई होनी चाहिए और ना ही सिलाई बुकरम से हट कर के होनी चाहिए, बिल्कुल आपको बुकरम की जड़ में सिलाई लगानी है। और अब एक पैर का मार्जिन यहाँ पर छोड़ते हुए यहाँ से एक्स्ट्रा कपड़े को हम यहाँ से कटिंग कर देंगे, और कटिंग करने के बाद इसके अंदर छोटे छोटे कट लगा देंगे ताकि हम अपने नेक को अच्छे से दूसरी साइड पलट सकें और उसमें किसी भी तरीके का झोल ना आए। यहाँ पर उससे पहले हम एक टॉप स्टिच लगा देंगे, कपड़े के ऊपर लगाएंगे सारा कपड़ा नीचे की साइड फोल्ड करते हुए, और इसके बिल्कुल यहाँ पर एक टॉप स्टिच लगा देंगे ताकि ये कपड़ा हमारे वेलवेट के ऊपर ऊपर की साइड उठ करके ना आए। तो यहाँ पर ये देखिए नेक यहाँ इतना कंप्लीट हो गया है, और इस नेक के ऊपर अब हम अपनी लेस का काम करेंगे, जो भी हमें लेस यहाँ लगानी है। तो इसके ऊपर अब मैं यहाँ पर जो मैंने अपनी पतली वाली लेस जो ली है ये वाली, इसके ऊपर जरकन के नग लगे हुए हैं, इसको मैं सबसे ऊपर लगाऊंगी, लेकिन ये लेस राउंड नेक पे थोड़ा बैंड होने में
परेशान करेगी हमें। तो इसके लिए सबसे पहले हमें अपने नेक पे कितनी लेस लगेगी वो नाप लेनी है, और उसे नापने के बाद आपको प्रेस से इसको इस तरीके से सेट करना है गोलाई देते हुए। तो अगर आप इसको प्रेस से इस तरीके से गोलाई देते हुए सेट करेंगे तो ये अपने आप इसकी शेप राउंड में बन जाएगी, और फिर आप इसको अपने नेक के ऊपर लगाएं तो ये बहुत ही आसानी से आपके नेक पे सेट होती चली जाएगी। और किसी भी तरीके की ना तो आपको इसमें कोई प्लेट डालनी पड़ेगी, ना ही कोई चुन्नट इसके अंदर बन करके आएगी। तो ये लैस एकदम सफाई से आपके नेक के ऊपर यहाँ सेट हो जाएगी। अब इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। सिलाई आपको मैं यहाँ पर जो सिलाई लगा रही हूँ इसके ऊपर मैं नायलॉन का जो ट्रांसपेरेंट धागा होता है वो इस्तेमाल कर रही हूँ, ताकि किसी भी तरीके की कोई सिलाई इसके ऊपर ना दिखाई दे और ये देखने में बिल्कुल ऐसा लगे कि जैसे हमने इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी कराई है। अगर आप कोई धागा इसके ऊपर यूज़ करते हैं तो वो फिर आपके लेस के ऊपर दिखाई देता है, तो वो फिर देखने में अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए मैं इसके ऊपर ट्रांसपेरेंट धागा जो कि पीको करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है वो धागा मैं इसके ऊपर यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे इस तरीके से ये नेक पे मैंने एक लेस लगा ली है। अब इसकी दूसरी साइड पे भी आप इसी तरीके से सिलाई लगा करके इस नेक को यहाँ पर इतना कंप्लीट कर लें। अब जो इसकी नीचे वाली साइड है इसको भी मैं यहाँ पर सिलाई लगा करके इसको कपड़े के साथ फिक्स कर दूंगी। यहाँ पर हम टॉप स्टिच लगाएंगे बिल्कुल गले के किनारे पे। कपड़े को अच्छे से सेट करते चले जाएं ताकि नीचे किसी भी तरीके का झोल ना आए। तो यहाँ पर हमने अपने इस कपड़े को इस नेक के साथ फिक्स कर लिया है। अब इसके बाद जो हमारी कटवर वाली लेस है हम वो वाली लेस अपने नेक के ऊपर इस्तेमाल करेंगे, और उस नेक को भी हम पहले अपने नेक के ऊपर रख करके देखेंगे कि कितनी लेस हमारी यहाँ पर यूज़ होगी। और इस लेस को आप पहले इस तरीके से नाप लें गोलाई में, और इसको यहाँ से कटिंग कर लें, और कटिंग करने के बाद आप इसको भी प्रेस से अच्छे से गोलाई से बैठा लें। अभी आप देख रहे हो ये बीच का पोर्शन इसका उठ रहा है, तो जब आप इसको प्रेस कर लेंगे इसी गोलाई में आप इसको प्रेस करके जमा लेंगे तो ये सारा डिज़ाइन अपने आप यहाँ पर सेट हो जाएगा। तो अभी मैंने यहाँ पर इसको प्रेस से सेट कर लिया है, और इसके नीचे मैंने रिविल सिविल टेप लगा करके इसको कपड़े के साथ फिक्स कर लिया है जितना मुझे अपने डिज़ाइन के ऊपर सेट करना था। तो मैंने रिविल सिविल टेप इसके साथ यूज़ किया है, इसके नीचे लगा करके इसको चिपका दिया है। अब मैं इसके ऊपर से सिलाई लगा करके लाऊंगी ताकि मेरा ये लेस हमेशा के लिए फिक्स हो जाए, और वॉश करने के बाद भी ये यहाँ से निकले ना, क्योंकि पेस्ट करने के बाद भी एक बार आपको ऐसा लगता है कि आपकी लेस यहाँ से कहीं निकल ना जाए। तो कपड़े को चिपकाने के बाद लेस के साथ में आप उसके ऊपर सिलाई भी ज़रूर लगा लें, या हाथ से आप कोई टाँके लगा लें। आपको अगर मशीन से लगाने में परेशानी हो रही है तो आप हाथ से भी टाँके लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर भी नायलॉन का ही ट्रांसपेरेंट धागा इस्तेमाल कर रही हूँ, और हल्का सा मैंने अपनी मशीन का फुट उठा रखा है, और मशीन को ये नीचे कपड़े को इस तरीके से मैं सेट करती चली जा रही हूँ। और ये यहाँ पर मेरी सिलाई कंप्लीट हो गई है। इसी तरीके से मैं इसके नीचे भी यहाँ पर सिलाई लगा लूँगी, और ये नेक मेरा बिल्कुल यहाँ फिक्स हो गया है। सिलाई लग करके बिल्कुल ये यहाँ पर जम गई है लेस इसके साथ, और अब आप इसको कैसे भी वॉश करें ये लेस यहाँ से बिल्कुल भी नहीं निकलेगी। अब जो मेरे पास यहाँ इसके थोड़े पीस बच गए थे लेस के, तो मैंने थोड़ा सा स्लीव्स पे भी इसमें थोड़ा हैवी करने की कोशिश की है, तो इनको मैंने इस तरीके से सेट करके इसका एक पैच बनाया है वेलवेट के ऊपर रख करके। पहले मैंने इसको पेस्ट कर लिया वेलवेट के ऊपर फैब्रिक ग्लू से, और उसके बाद मैंने इसकी सारी साइड की वेलवेट जो थी कटिंग करके निकाल दी, इसको एक पैच के तरीके से बना लिया। और अब मैं इसको स्लीव्स के बिल्कुल सेंटर में रख के यहाँ पर सिलाई लगा दूंगी। तो इस तरीके से मेरे जो स्लीव्स हैं वो भी नेक की एम्ब्रॉयडरी के साथ ही मैच हो जाएंगी, और ये भी देखने में ऐसे ही लग रही है जैसे हमने इसके ऊपर वर्क कराया है। तो इस तरीके से यहाँ पर मेरी ये ड्रेस बन के कम्प्लीट होती है, और देखिए कितना खूबसूरत ये नेक और इसकी स्लीव्स और ये पूरा ड्रेस का लुक आप देख सकते हैं। ये पूरा ड्रेस देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है। तो वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।